हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है इन्वर्जन एंड ई वर्जन ऑफ फुट। अब जो इन्वर्जन और ई वर्जन ऑफ फुट जो है, ये एक्चुअली में आपकी जो फुट की मूवमेंट है। तो आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कि इन्वर्जन और ई वर्जन की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिख के आना है, क्योंकि आपको एंड में तो आपको यूनिवर्सिटी में ही लिख के आना है। और क्या है, मैं आपको मेरे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि BDC में क्या है, इतना इसको टेक्निकल वे में लिखा है कि समझ में नहीं आता। तो मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा और फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले अब अपन देख लेते हैं कि इन्वर्जन और ई वर्जन ये मूवमेंट होती कैसे है। तो मैं अब आपको जो मैं ना इन्वर्जन करके बताता हूँ। अब क्या है, इन्वर्जन और ई वर्जन करने के लिए सबसे पहले फुट को जो है ग्राउंड से अपन को ऊपर लाना पड़ेगा। मतलब जो अपन ग्राउंड में जैसे टच करवा के अपन मूवमेंट नहीं कर सकते। तो मैंने सबसे पहले ग्राउंड से मैंने मेरे लेग को ऊपर करा, देन इन्वर्जन। ये अगर मैं इस तरीके से मूवमेंट करूँ, मतलब ये जो फुट है आप ये देख पा रहे हो, ये कहाँ आ रहा है, मिडिल ही आ रहा है, तो इसको बोलेंगे इन्वर्जन। देन इस तरफ करूँ लेटरल में, तो उसको बोलेंगे ई वर्जन। अब अपन थोड़ा टेक्निकल में देखते हैं। ये मैंने वापस इसको कर लिया रिपोजिशन। देन ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये है मेरी मिडिल बॉर्डर। तो इन्वर्जन में क्या हो रहा है, मेरी मिडिल बॉर्डर जो है वो एलिवेट हो रही है। फिर से करके बताऊँ, ये मेरी मिडिल बॉर्डर कैसे हो रही है, एलिवेट हो रही है। और सोल जो है, मतलब मेरे पैर का नीचे वाला हिस्सा, वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है मिडिली। तो इन्वर्जन में क्या हो रहा है, मेरी मीडियल रोटेशन एलिवेट हो रही है और सोल मिडिली जा रहा है। वहीं ये वाली कौन सी बॉर्डर है, ये मेरी है लेटरल बॉर्डर। तो जब मैं ई वर्जन करवा रहा हूँ, तब मेरी लेटरल बॉर्डर एलिवेट हो रही है और सोल कहाँ मूव कर रहा है, मेरा मूव कर रहा है लेटरली। तो ये हो गया ई वर्जन। तो मैंने अब आपको दोनों बता दिया, इन्वर्जन और ई वर्जन। तो अब अपन इसको देखते हैं यूनिवर्सिटी में इसको किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले जितना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, मेरे जो नोट्स हैं, ये बिल्कुल सफिशियंट है एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए। तो सबसे पहले आप वही डेफिनेशन लिख देना कि इन्वर्जन, इन्वर्जन में क्या हो रहा था, इन्वर्जन इज मूवमेंट इन विच मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट इज एलिवेटेड एंड सोल फेस मीडियली। अपन ने करा था ना यहाँ पे, इन्वर्जन में क्या हुआ था, मीडियल बॉर्डर अपनी एलिवेट हुई थी और सोल कैसा हुआ था, मीडियली फेस करा था। देन इवर्जन में इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, मूवमेंट इन विच लेटरल बॉर्डर। इसमें अपन ने देखा था कि लेटरल बॉर्डर है फुट की, वो एलिवेट हुई थी और सोल फेस करी थी लेटरली। तो सबसे पहले दोनों डेफिनेशन वाले पॉइंट लिख देना। देन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपन ने क्या देखा था, ये जो मूवमेंट है इसको अपन वॉलेंट्री परफॉर्म करते हैं ग्राउंड के ऊपर। तो यहाँ पे ये लिखा है, द परफॉर्म वॉलेंट्री ओनली वेन द फुट इज ऑफ द ग्राउंड। मतलब जब अपन ग्राउंड के, अगर अपन लेग को ऊपर नहीं करेंगे ना, तब तक अपन दोनों मूवमेंट कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब फुट जो है ग्राउंड पर रहता है, तब ये जो मूवमेंट जो है, ये एक्चुअली में आपके अनइवन सरफेस पे एडजस्ट करवाने में मदद करवा देती है। उसके बाद इस ये वाला पॉइंट, इसमें ये लिखा है कि इन बोथ मूवमेंट, इन्वर्जन और इवर्जन में, दोनों में जो फुट जो रहता है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, ये जो फुट है ये टैलस बोन है, तो टैलस बोन के नीचे पूरा जो फुट है ना, वो आपका मूव करता है। अगर अपन यहाँ पर देख रहे हैं इवर्जन, तो इवर्जन में क्या हो रहा है, फुट लेटरल बॉर्डर जो है वो उसकी एलिवेट हो रही थी, तो सिर्फ टैलस बोन के नीचे वाली सारी बोन सिर्फ वही मूव करती हैं। ये आपकी टीबला फिबला मूव नहीं करेंगे, सिर्फ टैलस के नीचे बोन। अब टैलस के नीचे कौन सी होती हैं, सारी जो टार्सल बोन है, टैलस भी टार्सल बोन है, तो टैलस के नीचे जो सारी बोन है वो मूव करेगी, जैसे कि कलकेनियम, नेविकुलर, क्यूबॉइड, फिर यहाँ पे मेटाटार्सल्स, सारी बोन जो है मूव करती हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है, इन बोथ मूवमेंट द एंटायर पार्ट ऑफ फुट बिलो टैलस मूव टूगेदर, वो दोनों मूव करेंगी। देन मूवमेंट टेक प्लेस मेनली एंड सब टार्सल और टैलो कलकेनियो नेविकुलर जॉइंट। अब यहाँ पर जो तीन बोन रहती हैं, एक है टैलस और एक है कलकेनियम और एक नेविकुलर, उनके बीच के जॉइंट का अपन क्या बोलते हैं, टैलो कलकेनियो नेविकुलर जॉइंट। तो जो मूवमेंट जो है, सबसे पहले टैलस के नीचे जितनी भी बोन होंगी सिर्फ वही आपकी मूव करेंगी, और उसमें भी सब टार्सल्स और सब टेलर और टैलो कलकेनियो नेविकुलर जॉइंट आपका मेनली मूव करते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं इन्वर्जन। अब इन्वर्जन जो है, अभी आप सुन लो फिर मैं इसको करके भी बता दूंगा। इन्वर्जन जो होता है वो प्लांटर फिकेशन के साथ होता है। तो यहाँ पे ये लिखा है, इन्वर्जन एकॉम्पनीड बाय प्लांटर फिकेशन। अब आप बोलोगे प्लांटर फिकेशन क्या होता है, तो मैं आपको प्लांटर फिकेशन को अभी समझाने के लिए इस डायग्राम में दिखाता हूँ।
अब ये क्या है, ये अपना जो लेग है ये अपना है नॉर्मल पोजीशन में। अगर मैं इसको अगर मैं ऊपर की साइड ले जाऊँ, ये अभी नॉर्मल पोजीशन है, देन मैं उसको ऊपर की तरफ एलिवेट कर लूँ, तो उसको बोलेंगे डॉर्सी फ्लेक्शन। मतलब ये डॉर्सल सरफेस है, नीचे भी प्लांट का सरफेस है, तो डॉर्सल सरफेस को अगर मैं फ्लैक्शन करवाऊँ तो वो होगा डॉर्सी फ्लैक्शन, और प्लांटर सरफेस का फ्लेक्शन करवाऊँ तो वो है आपका प्लांटर फ्लेक्शन। तो यहाँ पे यही लिखा है, जब हम इन्वर्जन करवाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली प्लांटर फ्लेक्शन हो सकता है। इसको आप जो है इस तरीके से याद कर लो, IP। तो IP से आपको याद रखा, I से इन्वर्जन, P से प्लांटर फ्लेक्शन। तो इन्वर्जन जो है एकॉम्पनीड होता है बाय प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फूड से, उसके बाद एबडक्शन ऑफ फोर फूड। अगर आप यहाँ पे देखें ये क्या, ये वाला एरिया आपका फोर फूड। अब ये बॉडी, ये थम है, थम आपका रहता है मीडियल में। तो अगर अपना थम जो है बॉडी के साइड में आए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एडक्शन, एडिडक्शन। तो एडक्शन है, उसको इस तरीके से याद कर लो, एडक्शन मतलब ऐड करना, मतलब बॉडी की तरफ आप एक और चीज़ ऐड कर रहे हो। तो फोर फुट क्या हो रहा था, बॉडी की तरफ आ रहा था, तो उसको बोलेंगे एडक्शन। और वहीं अपन इवर्जन पे देखें तो ये जो लेटरल बॉडी जब एलिवेट होती है तो बॉडी से दूर जाता है वो, तो उसको बोलते हैं एबिडक्शन, एबडक्शन। तो इस पॉइंट में यही लिखा है, जो इन्वर्जन जो है वो एकॉम्पनीड होता है बाय प्लांटर फ्लेक्शन से, बाय प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फूड से, और एडक्शन ऑफ फोर फूड से। वहीं ई वर्जन जो है वो एकॉम्पनीड होता है डॉर्सल फ्लेक्शन ऑफ फूड से और एबिडक्शन ऑफ फोर फूड से। अब मैं इसको एक बार आपको करके बता देता हूँ मूवमेंट्स। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इन्वर्जन और ई वर्जन जो है ये तब होता है जब मेरे लेग ग्राउंड के ऊपर हो। उसके बाद अब यहाँ पे मैं आपको पहले दो मूवमेंट बताता हूँ, एक होती है डॉर्सिफ्लेक्शन, दूसरी है प्लांटरी फ्लेक्शन। अब डॉर्सिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, ये क्या है, ये मेरा है डॉर्सल साइड, और उसके बैक में मेरा कौन सी साइड होती है, वो मेरी होती है प्लांटर साइड। अगर मैं इसका फ्लेक्शन करवा लूँ, ये जो है डॉर्सल साइड का मैं फ्लेक्शन करवा रहा हूँ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डॉर्सिफ्लेक्शन। मतलब कि जिस सरफेस का मैं फ्लेक्शन करवा रहा हूँ उसका पहले नाम है, ये डॉर्सल साइड का मैं करवा रहा हूँ तो ये है डॉर्सिफ्लेक्शन। फिर से करके बताता हूँ, तो इसको मतलब ये उसको बोलते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। देन इसको अगर मैं नीचे की तरफ करूं तो इसको अपन बोलते हैं प्लांटी फ्लेक्शन। इसको इस तरफ से करके दिखाता हूं, ये है डॉर्सी फ्लेक्शन, देन ये है प्लांटी फ्लेक्शन। अब एक्चुअली में क्या होता है, जब हम इन्वर्जन करते हैं, अब आप ध्यान से देखो मेरी ये लिटिल टो को, तो मैं आप इन्वर्जन में, ये इन्वर्जन में कौन सी साइड हो रहा है, ये मेरी नीचे हो रहा है, मतलब प्लांटी फ्लेक्शन हो रहा है। तो इस पॉइंट में यही लिखा था कि इन्वर्जन जो है प्लांटर फ्लेक्शन के साथ एक कंपनी होता है, उसके साथ होता है। भाई अगर मैं आपको ई वर्जन करवाऊँ तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें ऑटोमेटिकली डॉर्सिफ्लेक्शन हो रहा है। एक्चुअली में ये क्या होता है, BDC में बड़ा ही टेक्निकल वे में लिखा होता है, अगर आप पूरा पैराग्राफ जो अपन रीड करते हैं तो एक बार में अच्छे से समझ में नहीं आता। तो इसके लिए मैंने आपको इसका पूरा शॉर्ट नोट बना दिया, तो अगर ये कभी शॉर्ट नोट में आता है यूनिवर्सिटी में तो आप ऐसा पूरा का पूरा एज इट इज़ आप लिख के आ सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको इसके जो है कंसेप्ट भी अच्छे से समझा दिया। अगर आपको मेरी डॉर्सल फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन के ऊपर भी वीडियो देखनी है तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना के रखी है, तो आप वहाँ पर जाके ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और उसके और मेरे जो है आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि मैं जो है इसमें पूरी लोअर लिम्ब की वीडियो जो है अपलोड करने वाला हूँ। और अगर आपको मेरी अपर लिम्ब पे पूरी वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, और मैं आपको